खबर शिवपुरी से है। आपको बता दें कि शिवपुरी में कल जन सुनवाई के दौरान नया गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्टर के नहीं मिलने से उनको कल रात शिवपुरी में ही गुजारनी पड़ी। जानकारी के अनुसार नया गांव तहसील पोहरी के ग्रामीण इकट्ठा होकर कल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर नहीं मिले तो उन्हें रात शिवपुरी में गुजारी। बताना होगा कि कल से भूखे प्यासे ग्रामीण रात भर ओलो ग्राउंड में ही डले रहे। सुबह जब उठे तब उन्हें सूचना मिली कि कलेक्टर साहब पीजी कॉलेज में हैं, जिसके बाद पैदल ग्रामीण पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बताया कि किस तरह से उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि आवास के बदले पैसों की मांग की जा रही है। देखिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम है आपका? मेरा सरू है। कहाँ रहते हो? तिगरा नौगा। नौगा कहाँ पड़ता है? करवा पंचायत। क्या समस्या लेके आई थी? जो सूचना लेके आए हम कुटलियन की। क्या समस्या? आवास किसको नहीं मिली? आवास नहीं मिली है मन को, बिल्कुल नहीं जा नौके तो बहुत पहले मन को पीछे थे, मन को पैसा मांगते हमसे। कितने पैसे मांगते? 10,000 ले लिए, 15 ही ले लिए, वो तो मो मांगे बाकी। तो आप कब से आए हो शिवपुरी? हम कल से। कल कितने बजे? हम आए 12 बजे के। कलेक्टर साहब से बात हुई आपकी? नहीं भाई। फिर आपने रात वगैरह कहाँ पे गुजारी? भाई कहाँ पे? कलेक्टर प्रोग्राम। प्रोग्राम मेरा नाम पवन परियार। कहाँ से आए हो? ग्राम पंचायत करवाया से। क्या समस्या लेके आए थे? प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में हमारी गांव का बिल्कुल छोड़ दिया था, सर्वे में नहीं की गई ना जनगणना की गई, और हमारे पंचायत में 190 आवास आए पर हमारे गांव तो बिल्कुल छोड़ दे। सेक्रेटरी जाति बात करता है, हरिजन से नफरत करता है। ग्राम पंचायत अनिल दागड़ क्या कहता है? वो कहता है मैं हरिजन लोगों को नहीं दूंगा, मैं तो मेरे हिसाब से दूंगा, मैं करूँगा वही होगा। जाओ कलेक्टर चले जाओ, कहीं चले जाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आप कलेक्टर कब के आए थे? हम आए कल के, कल 12 बजे के। 12 बजे तो जन सुनवाई में आपने आवेदन लगाया था? आवेदन देने गए जब तक कलेक्टर साहब उठ के भाग गया साहब। फिर क्या आप रात भर कहाँ रुको? रात भर वहीं पोलो ग्राउंड में सामने सोए थे। कितने लोग? हम 60 लोग हैं कम से कम। 15 सुबह पर हम 5-6 बजे कलेक्टर साहब की कोठी पहुँचे। कलेक्टर साहब के भी गार्ड है, उन्होंने बोला कि कलेक्टर साहब 11 बजे भी आ रहे हैं, 10 बजे उन्होंने हमसे झूठ बोला। हम वहाँ डाले पर देख बाट हम मेडिकल कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए, देख बट कलेक्टर साहब के 4 किलोमीटर पैदल डिंग के आए जिस समस्या आए। तो यहाँ पे आपका आवेदन ले लिया क्या? आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, अभी तो आवेदन भी ले लिया, पर अब पता नहीं है कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आपको क्या मानना है? कार्रवाई ये है कि उसकी मतलब जैक पैक बड़ी यहाँ है, मंत्री उसका आदमी है, सीओ उसका आदमी है, चक्कर में उसकी कार्रवाई नहीं होती। दाखड़ों की पार्टी है, दाखड़ों की सरकार है, जो हरिजन हरिजन आदिवासी उनकी कोई सुनवाई करता ही नहीं। अभी आगे भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आगे सुनवाई नहीं होगी तो हम धरना धर कहीं बैठेंगे, भोपाल भी जाएंगे शिवराज के पास, मामा जी के पास।